प्रश्नोत्तरी के सीरीज में आपका स्वागत है। आपके सवाल, गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे जवाब। निश्चिंत रहें, आपके समय को कतई बर्बाद नहीं किया जाएगा। हमारी सरस्वती दीदी पूछती है कि 2 वर्ष की बाबू है, अपने बाबू के साथ नेट की तैयारी कैसे करूं? हमारी प्यारी सरस्वती दीदी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने प्रश्न किया। अगर आपके जीवन से जुड़े कोई भी प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके बताएं। आपके हर सवालों का अविलंब जवाब दिया जाएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी सरस्वती दीदी बेहद आत्मविश्वासी है। सभी बस सोचते हैं कि मुझे UPSC, नेट, JRF, मेडिकल करना है, लेकिन कभी किसी से पूछते नहीं, बस सपने देखते हैं, करते कुछ भी नहीं। साहब, सपने वो नहीं होते जो नींद लगने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींदों को उड़ा देते हैं। इसलिए सपनों की दुनिया से निकलिए और मेहनत करिए। देखें, हमारी सरस्वती दीदी को शादी हो चुकी है, 2 साल की बाबू है, फिर भी नेट की तैयारी करना चाहती है। एक आप अकेले हैं, पति और बच्चे हो जाए तो आपकी दुनिया बदल ही जाएगी। इसलिए सवालों को मन के अंदर ना रखें, बाहर निकालें और कमेंट करके पूछें। अब चलिए अपने मुख्य बिंदु की तरफ। सरस्वती दीदी, हर इंसान को सपने देखना चाहिए। सपने देखते भी सब हैं, लेकिन जिस अधिकार से वो सपने देखते हैं उस अधिकार से मेहनत नहीं करते हैं। मुझे खुशी हुई आपके सवालों को देखकर। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आधे मंजिल की सफ़र उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन आप अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टडी टेबल पर बैठ जाते हैं। आपके पास जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा है। अपने बच्चे को आपको देखना है जो मात्र 2 वर्ष का है। अगर आपके घर में कोई और सदस्य है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा। कोशिश करें कि अभी कुछ समय आपके घर में नया बाबू ना आए। आप तभी अपनी पढ़ाई कर सकती हैं जब बाबू सो रहा हो। ऐसे भी घर के ढेर सारे काम रहते हैं। समर्थता है तो काम करने वाली एक बाई रख लें। अगर बाई नहीं मिल रही है तो चिंता ना करें, उसका भी उपाय है। आप कोशिश करें कि बाबू दिन में कम सोए। ऐसा हुआ तो बाबू रात में ज़्यादा सोएगा। बस उसी समय आप पढ़ सकती हैं। रात का भोजन शाम 4 बजे बना लें। रोटी ना बनाएं, क्योंकि रोटी गर्म गर्म खाने में अच्छी लगती है। रात में रोटी बनाएं और खा लें। कोशिश करें कि चावल दिन में ही खाएं, रात में नहीं। चावल खाने से आपको नींद भी जल्दी आएगी। आप आराम से रात 9 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई कर लें। 4 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है, उसके बाद आराम से सो जाएं। आपने कॉलेज में किस स्तर की पढ़ाई की है ये तो आपको ही मालूम होगा। नेट में एक पेपर पूरा आपके ग्रेजुएशन वो PG के सब्जेक्ट से होगा। एक जनरल पेपर तो सबके लिए होता है। आपसे अगर 2-3 घंटे की ही पढ़ाई होती है तो चिंता ना करें, नियमित रूप से 2-3 घंटे ही पढ़ें, आपका नेट जरूर निकलेगा। कभी भी यह सोचकर चिंतित न रहें कि मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की। बस नियमित रूप से 2 घंटे की अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है
आप चाहते हैं कि एक बार जो पढ़ लें वो हमेशा याद रहे, तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है, पढ़ा हुआ याद कैसे करें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो अभी कमेंट करके पूछें, आपके हर सवालों का अविलंब जवाब दिया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 परिचितों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां गायत्री, जय गुरुदेव। यहां पर आपके जीवन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने की सूक्ष्म कोशिश की जाती है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो अभी कमेंट करके पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।